हरे कृष्णा। रूपात लीला मृत के बारे में हम इस वीडियो सीरीज में बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अभय रूपात ने संन्यास ग्रहण कर लिया। अब अभय को कोई अभय बाबू नहीं कहते थे, अब उनको स्वामी जी महाराज कहते थे, अब उनको लोग साधु मानने लगे थे। लेकिन उनकी भक्ति वेदांत स्वामी की समस्या थी पुस्तकें छापना, लेकिन पुस्तकें छापने के लिए उनका धन नहीं था, पैसा नहीं था, ना लोग कृष्ण भावना मृत को सुनने को तैयार थे। अब ऐसी समस्याएं उनके मन में चल रही थी, वो भगवत दर्शन पत्रिका का वितरण करते रहते थे। तो एक दिन एक पुस्तकालय अध्यक्ष उन्हें मिले, उन्होंने कहा कि आप जो पत्रिका वितरण करते हैं, हो सकता है इसे लोग पढ़ने के बाद फेंक देते हो, आप पुस्तकें लिखिए। प्रभुपाद को ऐसा लगा कि जैसे उन पुस्तकालय अध्यक्ष के माध्यम से उनके गुरु उनसे बात कर रहे हों। उनको विचार बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि श्रीमद् भागवतम बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और आधिकारिक वैष्णव ग्रंथ है, और चैतन्य महाप्रभु ने इसे बहुत पसंद किया था और वे बहुत ज्यादा इसको महत्वपूर्ण समझते थे। प्रभुपाद ने सोचा कि इसका वो अंग्रेजी अनुवाद कर लेते हैं और अपने साथ जब वे पाश्चात्य देश में प्रचार करने जाएं तो वो खाली हाथ नहीं होंगे, उनके पास पुस्तकें देने के लिए, श्रीमद् भागवतम देने के लिए होगा, और ऐसे करके प्रचार कार्य में वृद्धि हो सकती है, उनके पास उत्साह होगा और विश्वास होगा श्रीमद् भागवतम का। तो ऐसा करके उन्होंने सोचा कि हाँ, मैं श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी अनुवाद आरंभ करूंगा। एक दिन राधा दामोदर मंदिर के मालिक उनके पास आए और उनको राधा दामोदर मंदिर में रहने का आमंत्रण दिया। प्रभुपाद को लगा कि भाई भगवान कृपा कर रहे हैं, क्योंकि ये वही मंदिर है जहां पर जीव गोस्वामी और रूप गोस्वामी का ये 700 अधिवास था, यहां पर श्रीमद् भागवतम की चर्चा होती थी। तो लगा कि ये बहुत अच्छा स्थान है अगर श्रीमद् भागवतम लिखनी है, तो उन्होंने वह आमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन वे दिल्ली आते जाते रहे, क्योंकि भगवत बैक टू गॉडेड मैगजीन छापनी थी इसके लिए। तो एक बार राधा प्रेस के मैनेजर हित शरण शर्मा जी हैं, उनके एक जानकार हैं पंडित श्री कृष्ण शर्मा, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने प्रभुपाद का राधा कृष्ण मंदिर छिपीवाड़ा में है वहां रहने का इंतजाम कर दिया। प्रभुपाद को वृंदावन में स्थायी आवास मिल गया रहने के लिए, और अब दिल्ली में भी उनको एक स्थायी कार्यालय छिपीवाड़ा मंदिर में मिल चुका था। यहां पर रहकर वे पंडित श्री कृष्ण शर्मा के साथ बैक टू गॉडेड और श्रीमद् भागवतम उन्होंने लेखन आरंभ कर दिया। लेकिन उनके साथ इस बार पंडित श्री कृष्ण शर्मा थे, जो उनको बैक टू गॉडेड पत्रिका लिखने में बहुत मदद करते थे। तो प्रभुपाद ने उनकी सेवा से खुश होकर उनके नाम के आगे हरि भक्तानुदास जोड़ दिया। उस समय प्रभुपाद को एक बुक लिखने की आवश्यकता महसूस हुई, छोटी बुक। तो 1960 में उनकी पहली बुक पब्लिश हुई, उस बुक का नाम था इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। अब प्रभुपाद ने फर्स्ट कैंटो को प्रिंट करने का सोचा। फर्स्ट कैंटो 3 भागों में छपना था। पहले भाग में 6.5 अध्याय थे, उस दूसरा पार्ट फिर तीसरा पार्ट। उन्होंने लेखन आरंभ कर दिया, छपने के लिए तैयार था, लेकिन पैसे नहीं थे, पैसे की बहुत बड़ी समस्या थी। तो प्रभुपाद को किसी ने गोरखपुर जाकर मिस्टर पोद्दार उनसे मिलने का कहा। प्रभुपाद गोरखपुर गए, वहां की बात बनी, वहां से कुछ पैसे की प्राप्ति हुई। फिर दिल्ली आए, दिल्ली में कई लोगों से मिलते रहे, बातचीत करते रहे कहीं जाकर। तब उनको लगा कि हाँ, मेरी फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट पार्ट छप सकता है। 5 महीने में ये फर्स्ट पार्ट छप कर आया, इसकी 1100 कॉपियां छपी,
1100 कॉपियों में 100 कॉपी श्रील प्रभुपाद को मिली। श्रील प्रभुपाद को ये कॉपी बेचने के लिए बहुत संघर्ष करने पड़े, जगह जगह जाते थे, लोगों के पास जाते थे। और हम ये बात बताना भूल गए, जो श्रीमद भागवतम प्रभुपाद ने लिखी, कैसे लिखी, राधा दामोदर मंदिर में वे रात्र के 1 बजे जुलाई के महीने में जब सब सो जाते थे उस समय लेखन आरंभ करते। जुलाई का महीना, मंदिर सुसज्जित वृंदावन, कितनी गर्मी पड़ती है उस समय, पूरी तरह बिजली भी नहीं आती थी, लालटेन की रोशनी में श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद भागवतम लिखना चालू रखा, आरंभ किया। उनको फर्स्ट कैंटो छप चुका था, लोगों की अनुकूल प्रतिक्रियाएं भी आ रही थी, समीक्षाएं आ रही थी, सबने बहुत पसंद किया। अब प्रभुपाद को सहा आ गया था दूसरा, फर्स्ट कैंटो का दूसरा पार्ट, उन्होंने उसके लिए भी प्रिंट करने का सोचा। इसके लिए भी धन की समस्या आई, लेकिन अब प्रभुपाद को लग रहा था जब भगवान कृष्ण कृपा कर रहे हैं, और दूसरा कैंटो भी छप गया। और फिर दूसरे कैंटो के साथ वे भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन से मिले, भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिले, जिनके माध्यम से श्रील प्रभुपाद को अपनी बुक्स वितरण करने में थोड़ी सहायता मिली। अब प्रभुपाद को फर्स्ट कैंटो का तीसरा पार्ट का छपने का इंतजार था। 1965 में वो लेखन उस पर उन्होंने खत्म कर लिया, लेकिन प्रिंटिंग के लिए पैसे नहीं, पैसे की बहुत बड़ी समस्या थी, तो उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। मुंबई में वे सिंध्या स्टीमशिप की मालकिन श्रीमती सुमती मोरारजी से मिलने का सोचा, बहुत बड़े आदमी से मिलने का नासा नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद उनके कार्यालय की सीढ़ियों पर 5 घंटे बैठे रहे। 69 साल की उम्र में 5 घंटे बैठना कोई आसान बात नहीं है। किस लिए? कि हम जैसे लोगों का उद्धार हो सके, हम जैसे लोगों को कृष्ण भावना मिल सके। 5 घंटे इंतजार करने के बाद श्रीमती मोरारजी आई, उनसे मिली, और वे इस बात के लिए राजी हो गए कि वे तीसरे कैंटो के जो प्रिंटिंग का खर्चा आएगा उसको सहेंगे, और तीसरा फर्स्ट कैंटो का थर्ड पार्ट था वो भी पब्लिश हो गया। एक दिन उनकी मथुरा में मिस्टर श्री गोपाल अग्रवाल जी से बात हुई, उन्हें पता चला कि उनके पुत्र अमेरिका में रहते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि वे अमेरिका में रहने का इंतजाम करते हैं उनके पुत्र। अग्रवाल साहब ने कहा ठीक है, तो उनके पुत्र ने जामिन की व्यवस्था कर दी, वहां पर रहने का एक फिक्स होता है उसको जामिन कहते हैं, उसकी जामिन की व्यवस्था कर दी। अब प्रभुपाद को लगा कि पाश्चात्य देश जा सकते हैं, फिर उन्हें पंडित कृष्ण शर्मा ने उनके पासपोर्ट का अरेंजमेंट कर दिया। अब प्रभुपाद को टिकट के पैसे चाहिए थे, प्रभुपाद फिर द्वारा बम्बई गए। मैं सुमती मुरारी से मिले, उनसे कहा कि कृपया मुझे जलदूत में एक टिकट दे दीजिए। पहले तो श्रीमती मुरारजी राजी नहीं हुई, क्योंकि उनकी उम्र 69 साल थी, लेकिन प्रभुपाद के बहुत आग्रह पर वे राजी हो गई। अब प्रभुपाद को लगा कि उनका जो गुरु महाराज का आदेश था कि पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करो, किसी तरह उनको टिकट मिल गया था, जामिन मिल गया था, पासपोर्ट तैयार हो गया था, और कई तरह के पी फॉर्म, किसी तरह प्रभुपाद ने सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए अकेले, कोई उनके साथ नहीं। 13 अगस्त को जलदूत अमेरिका के लिए रवाना होने था, कुछ दिन का समय था, तो वे कुछ दिन यात्रा से कुछ दिन पूर्व कलकत्ता चले गए, और जाने से 2 दिन पूर्व वे अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की समाधि पर गए। वहां से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया, और 13 अगस्त को वो अमेरिका जाने के लिए तैयार थे। अमेरिका जाते समय उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे, 40 रुपए, कुछ भी नहीं है 40 रुपए, और क्या था, पुस्तकों के संदूक थे जो अलग से जल्दू जहाज में अलग से जा रहे थे। तो इस तरह जैसे प्रभुपाद ने संन्यास ग्रहण किया, भगवान ने जैसे गुरु महाराज का आदेश था संन्यास लो, तो भगवान व्यवस्था करते जा रहे थे। श्रीमद भागवतम का छपना एक जो उन्होंने चाहा था वो हो गया, अब अमेरिका जाने का उनका व्यवस्था हो गई थी। अगली वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका में उनका पहले साल का संघर्ष कैसा रहा। तो आपसे हमारा यही आग्रह रहेगा कि इस भद्रिका आश्रम के माध्यम से आप पूरी वीडियो सीरीज को देखें और थोड़ा सा प्रभुपाद को समझ सकें। पूरा प्रभुपाद को समझना बहुत मुश्किल है, थोड़ा भी हम समझ जाएंगे तो प्रभुपाद के प्रति हमारा भाव और बढ़ जाएगा, सत्कार बढ़ जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। आज के लिए इतना ही।
हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय।